आई एम गुड. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. कैसा लगा आप लोगों को ट्रेलर? सही है. आप ही बात करो यार इनके साथ. मैं क्यों, मैं तो शो में भी नहीं हूँ. आप बात करो ना इनसे. नहीं, एपिसोड्स में और मजा आएगा, ट्रेलर से ज्यादा मजा आएगा. ये जो, चलिए शुरू करते हैं. मुझे बताइए कि जो आपका लास्ट एपिसोड था, क्लिफ हैंगर था कि क्या हो रहा है अभिषेक और रिंकी के बीच में, तो बताइए तो हमको भी. वो तो पता चलेगा 20 तारीख को, लेकिन हाँ काफी सारी चीजें हो रही हैं, मतलब धीरे धीरे आराम से. अच्छा, तो ये सस्पेंस आप नहीं तोड़ने वाले? हाँ, ये तो मुझे लगता है कि देखने दो, एपिसोड देखेंगे तो पता चलेगा. बट हाँ, काफी इंटरेस्टिंग ट्रैक है वो भी, और जो इस सीजन में हम लोगों ने थोड़ा और ट्रैक वो खोलने की कोशिश की है, तो मजा आएगा अभिषेक और रिंकी का रोमांस देखने में. बहुत बढ़िया जी. तो टॉक टू मी अबाउट द फैक्ट दैट ये शो जो है इतना पॉपुलर, इतना वाइल्डली सक्सेसफुल, लेकिन ऑडियंस की वजह से क्या रिएक्शंस हैं और कितना इंतजार रहा है सीजन टू के लिए, आप बताएं मुझे. आई थिंक हाँ, मतलब जब बना रहे थे तो वही कन्फ्यूजन था कि कितना स्प्रेड होगा, कितने लोग देखेंगे, क्या रहेगा. मतलब आई थिंक हम लोग ये तो श्योर थे कि कॉन्टेंट अच्छा बना रहे हैं, बट कितने लोग देखेंगे ये नहीं आइडिया था. एंड आई थिंक हाँ, प्राइम वीडियो ने काफ़ी उसको अच्छे से मार्केट किया और सब लोगों तक पहुँचा वो, तो उसके लिए थैंक यू प्राइम वीडियो. एंड जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी इतना खतरनाक था कि हम किसी से भी वेट नहीं हो रहा था कि कब सीजन टू हम स्टार्ट करेंगे और कब वो आएगा. एंड फाइनली वो डेट आ गई है 20th May, और वो आने वाला है. होपफुली सबको अच्छा लगे जी. तो मुझे बताओ कि अभिषेक जी क्या कभी फुलेरा छोड़ेंगे अब? हाँ, ये सवाल गंभीर है. लेकिन ठीक ठाक सवाल है, अच्छा सवाल. हाँ, मुझे लगता है अभिषेक का तो मन नहीं कर रहा है, बट ठीक है. गांव सुंदर इतना है, गांव के लोग सुंदर हैं, तो आई थिंक अभिषेक तो वहीं रहना चाहता है. बाकी तो हाँ, डेस्टिनी है अभिषेक की. That's a fantastic trailer. Thank you so much, Jito. Thank you so much for joining us. Raghubir ji. Ji. Loki laaye hain. Ye mujhe Loki jaisa laga hai. Itne sare kirdar. Main aapse kahun, ye mera personal fan moment hai, kyunki jaise maine aapko backstage bhi kaha ki hum to aapko tab se dekh rahe hain jab se humko pata hi nahi tha ki hum kya dekh rahe hain. 88 ki baat hai, Mungeri Lal ke haseen sapne. Us time se aapko dekhte aa rahe hain. Lekin main jaanti hu ki एज एन एक्टर यू नो अपने आप को इवॉल्व करना बहुत जरूरी है. प्रधान जी के किरदार ने आपको क्या दिया? प्रधान जी के किरदार ने बहुत कुछ दिया है मुझे. एक्चुअली आवाज आ रही है? नहीं, उनको पीछे रिकॉर्डिंग. अरे उनको भी आ रही. क्या है, ये माइक वाइक की आदत नहीं है. लौकी समझ के पकड़. हाँ जी, लौकी समझ के पकड़. आने दीजिए, अभी तीसरा वाला जब आएगा ना आपको लौकी खिलाया हम छोड़ेंगे नहीं. क्रांति देवी, आप समझती कहाँ हैं अपने आप को. अभी आपके हाथ में लौकी नहीं है, कुछ और आया है. बताएंगे हम आपको, बहुत हो गया. एक बार और आपने कहा था. ठीक है, अच्छा. तो प्रधान के किरदार से मैंने बहुत सीखा. एक्चुअली सीखने की मेरी आदत ही है, हमेशा से ज़िंदगी भर सीखते ही चला आ रहा हूँ, और सीखने भी बड़ा मज़ा आता है. कोई भी कुछ कह देता सुन लेता हूँ, उससे सीख लेता हूँ, और सीख ऐसे लेता हूँ कि पता नहीं ये जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ. अगर गलत कर रहा हूँ तो सही रास्ता इख्तियार कर लेता हूँ, और सही कर रहा हूँ तो गलत रास्ता नहीं इख्तियार करता फिर. तो ये है कि बहुत कुछ सीखा, और क्या है कि मैं पंचायत का जो माहौल है, जो उस गांव का माहौल है, इस माहौल से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं हूँ ही गांव का. बैलगाड़ी चलाता था, बहुत छोटे से एक विलेज से मेरा ताल्लुक़ है, और वहाँ पे मेरे नाना जी ज़मींदार थे, और उन्होंने एक स्कूल बनवा दिया था, और बिल्कुल यही फुलेरा जैसी हालत थी. और वहाँ पे एक ही स्कूल बना, लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन. तो ये लक्ष्मी नारायण मेरे सगे मामा जी हैं, उनको एक पागल कुत्ते ने काट दिया था, तो उसे उनकी डेथ हो गई. उन्हीं की स्मृति में वो स्कूल बनवाया, और उसी में मैं पढ़ा हुआ हूँ. तो वो अभी भी है लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन, तो हम बहुत सारे बच्चे वहाँ से पढ़ के निकले. और वो स्कूल ऐसा है कि फेल होना ज़्यादा सिखाता है, पढ़ना कम सिखाता है. तो ऐसे ही मैं सीखते चला आया हूँ. फिर ये प्रधान जी मुझे मिल गए, तो हमारे गांव में भी बहुत प्रधान विधान सब हुआ करते थे. और मैं एक्चुअली
मध्य प्रदेश का हूँ, फिर मैं बिहार में भी रहा हूँ, मैं राजस्थान में भी रहा हूँ, मैं यूपी में भी रहा हूँ, तो इस तरह का जो माहौल है मुझे बड़ा मज़ेदार लगा। ये पूरे पंचायत का मज़ेदार ऐसा लगता कहीं ना मेरे अंदर ही है, वो मेरी ज़मीन से ही जुड़ा हुआ है। तो फिर जब सामने आया तो बहुत मज़े किए मैंने, और साथ में ये जो बड़े बड़े गुंडे ये जिन्होंने एक्टिंग में गुंडागर्दी अख्तियार कर रखी है, इनका साथ मिल गया, ये देखो गुंडी है ये सब, तो इनके साथ फिर और मज़ा आ गया, फिर लोगों से बहुत सीखा मैंने। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैंने लंबी बात कर दी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, आप बोलते रहिए प्रधान जी, आपका तो बनता है, आपका तो बनता है। हाँ मैं अपनी बात समझाना चाहता हूँ आराम से, क्या है कम से वो लक्ष्मी नारायण यादव विद्यापीठ बने ना, कम में नहीं समझ तो फैला के समझाता हूँ। नहीं फैला के ही बुलेरा की बातें होनी चाहिए, कुछ रह ना जाए, रह ना जाए बिल्कुल। सुनीता जी हाँ मैं देख रही हूँ कि मतलब क्रांति देवी के रूप में आकर दीदी छा रही हो, मुझे बताइए कि ये जो इस सीजन में आप कितना बवाल मचा रही है, क्योंकि काफी लग रहा है कि आपके ऊपर पूरी नडिंग चल रही है पूरे सीजन की। नहीं नहीं कसर तो प्रधान जी भी कुछ नहीं छोड़ते हैं, पर ये है कि हाँ मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि सारे मसाले हैं, तो मिर्च का जो आखिरी तड़का है, ओहो ओहो, तो ये वो मिर्च का तड़का है। क्या बात है, क्या बात है, ये कोई बाप कुछ फेंक रहा था ट्रेलर में, चप्पल थी ये किसने फेंकी है चप्पल, जरा बताइए। ये है ना ये जीतू जी, अभिषेक जी आपने ये किया, सचिव जी ने फेंकी है, सचिव जी ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा, इंटेंशनल नहीं था, ये लोग मिलकर ही करते हैं ना, इंटेंशनल कुछ नहीं था, गलती से हुआ था, ये लोग सब करते हैं फिर कहते हैं हमने तो इंटेंशन नहीं था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, चप्पल को गिरते हुए नहीं देखा, उसमें फूल भी लगे हुए थे। मैं जानती हूँ कि इस शो में कहीं ना कहीं ये एक वॉर जैसा लग रहा है ना, कि आप इनका एक परिवार जैसा है और आप जो हैं अलग हैं, लेकिन आई एम श्योर कि शूटिंग के दौरान ऐसा नहीं हुआ होगा। ना 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 बिल्कुल। तो जरा बताइए यहाँ पर कौन कितने पानी में है, सबसे ज्यादा कौन सताता है, कौन ज्यादा खाता है, कौन ज्यादा बातें करता है, जरा बताइए कौन कितने पानी में है। नहीं नहीं ये तो मतलब हम लोग ऑन स्क्रीन इस तरह का किरदार है, पर अदरवाइज हर कोई बहुत अच्छा है, बहुत आपकी फेवरेट एक को चुनना है, चलो चुन लो। नहीं ये सब बहुत अच्छे हैं एक्चुअली, सच बताऊं तो मैं भी फैन थी, बिकॉज मैं पंचायत वन का हिस्सा नहीं थी, और जिस तरह आप सब लोग पंचायत देखने के बाद उसके फैन हो गए थे, उसी तरह मैं भी उसकी फैन हो गई थी। और आर्टिस्ट की एक भूख होती है, जो भी कुछ अच्छा काम होता है ना उसको लगता है काश इसमें मैंने भी कुछ किया होता, तो मेरी तो वो मुराद पूरी हो गई। क्या बात है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम वीडियो की, टीवीएफ की, और इन सारे कलाकारों की, मेरे डायरेक्टर की, राइटर की, कि मुझको मौका मिला। जी और ऑफ स्क्रीन तो सबके साथ बहुत अच्छा। फेवरेट एक को चुनना है, एक को। ये पंचायत थ्री के लिए बीच डाल रही लड़ाई के। मैं मजाक कर रही थी सुनीता जी, मैं मजाक कर रही थी, नहीं शी इज लाइक मैं चुनूंगी कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। मेरी फेवरेट अभी है नहीं, मेरी फेवरेट है नीना गुप्ता, तो उनके साथ मेरा सबसे अच्छा समय गुजरता है, तो हम इन सब की भी बुराइयां कर लेते हैं। अच्छा ये तो लेडीज वाली पार्टी होगी ना, बहुत बढ़िया जैसे हम कर रहे हैं, ये सब बहुत अच्छे हैं, पर वो बहुत ही अच्छी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैजल भाई, आपसे बात करनी है मुझे जरा माइक। शुक्रिया प्रहलाद जी, जब आते हैं स्क्रीन पर उनको देख के मुस्कुराहट छूटने लगती है, मुझे बताइए आप में और प्रहलाद जी में क्या कॉमन है आपके किरदार में और आप में? जी मैंने बहुत मेहनत किया उसके लिए, खूब खाया, अभी तक खा रहा हूँ। अच्छा तो आर यू मेथड एक्टर, तो ये सब जो वेट चल रहा है ये पंचायत की वजह से चल रहा है? नहीं नहीं मैं वैसे भी था, पर मुझे अब अपने आप को झूठ बोलने के लिए पंचायत का नाम दिखा देता हूँ, इसकी वजह से वेट ऑन, इसकी वेट पुट ऑन कर रहा हूँ, तो बहुत मेहनत किया मैंने। और इस सीजन में तो आप अलग नहीं लग सकते थे, तो फिर खाया मैंने एक डेढ़ साल, फिर जो है इसको सोचते सोचते कि अगले सीजन में अगला फिर आएगा, फिर खाता रहूंगा, तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जैसे एक्टर लोग मैंने वेट गेन वेट लॉस, मैं वेट गेन फिर जो है मेरा कुछ वीडियो वीडियो भी बन के आएगा कुछ दिन बाद, 220 पार होने का पंचायत 10 में। पंचायत 10 में हाँ देखेंगे कि एक्चुअली उसका ये आर्क यही होना चाहिए कि प्रहलाद जी के साथ क्या होता है, टंकी के पास मेरी टंकी होगी तो ऐसे वैसा रहेगा। फैजल मैं आपको बताती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसा शो जहाँ पर हर किरदार को मिल रहा है इतना प्यार, आप मुझसे उस प्यार की बात कीजिए कि आपके लिए क्या किया है इस शो ने। इस शो ने एक्चुअली मैं तो एक्टिंग करता नहीं था, तो इस शो में मतलब जो किया उसके बाद
एक दिन तीन अप्रैल को दुनिया ही बदल गई, तो तब से अभी तक बदली हुई है, तो उसको रोज देखता हूँ, अच्छा ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो वो शो की वजह से हुआ है। थैंक यू चंदन और दीपक का, बिल्कुल, बाकी सारे लोगों का। तो मेरे तो ये पिछले एक दो साल से शुरू हुआ है एक्टिंग और ये सब सारी चीज़ें, जी तो मैं रोज़ ही देखता हूँ कि अच्छा ये भी हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, पंचायत की वजह से हो रहा है, और पंचायत धीरे धीरे और भी अच्छा होता जा रहा है, तो एक जर्नी है मजेदार से। हाँ जी बिल्कुल। और सीजन टू में प्रहलाद जी क्या करेंगे, कुछ बता सकते हैं? बस वही मैंने बताया, बॉडी बना रहा हूँ। बॉडी बना रहे हैं क्या, माशाल्लाह, थैंक यू फॉर दैट। मैं चाहूंगी कि आप माइक चंदन जी को जे। बॉडी बना रहे कि पेट बना रहे? चंदन जी मुझे बताइए कि ये जो कहानी है, यू नो सीजन वन के बहुत फैंस हैं, उनको कहानी शायद पता है, लेकिन जो मैंने दीपक सर से पूछा थोड़ी देर पहले कि सीजन टू में जाने से पहले एक एक्सपेक्टेशंस होती है और एक प्रेशर होता है, एज अ राइटर क्या ये प्रेशर लेना ठीक होता है, अच्छा होता है? थोड़ा सा प्रेशर तो लेना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, बिना उसके तो नहीं होता है, बट हाँ उतना डरने की कोई बात नहीं थी, इतना तो पता था, क्योंकि अगर हमने वन जब बनाया था उस समय भी कुछ चीज़ें आगे क्लियर थी हमें कि हमें किधर जाना है, इतना कोई ब्लाइंड टर्न नहीं था कि सडनली कि अब वी डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो थोड़ी बहुत प्लानिंग पहले से थी, और जब एक बार आगे फिर गो अहेड मिला, उसके बाद फिर हमने काम शुरू कर दिया, एंड वी लाइक फिनिश्ड इट इन अ गो, एंड प्रेशर थोड़ा सा तो रहता ही है, सो इट्स ऑल राइट आई गेस। यू नो मनीष ने एक बहुत अच्छी, जितना रूटेड एक यू नो एक कहानी हो उतनी ही उसकी रीच कॉमन होती है, या फिर क्या ये हर बात पर अप्लाई नहीं करता? नहीं, जैसे रूटेड का भी एक डिफिनेशन है कि आप रूटेड किस चीज को कहते हैं, लाइक राइट, रूटेड एक होता है कि आप कई लोग अज्यूम कर लेते हैं रूटेड लाइक केवल गांव देहात की कहानी है, राइट, कि हां तो कहीं तो ये रूट से जुड़ा हुआ है, कुछ वैसा है, बट या सिर्फ एक लोकेशन हो। हां करेक्ट, बट एक्चुअली रूटेड इज लाइक यू आर प्लेइंग विद बेसिक ह्यूमन इमोशंस एंड थिंग्स, राइट। अब उसमें बड़ी छोटी चीजें हो रही हैं, स्केल हो सकता है डिफर है, तो बड़ी स्केल की मूवीज भी रूटेड होती हैं, बिल्कुल, बड़े स्केल के शोज भी रूटेड होते हैं। सो रूटेड का अगर डिफिनेशन ऐसा है कि हां बेसिक आप चीजों पे प्ले अप कर रहे हो, सो दैट्स लाइक ऑफ कोर्स इट विल बी यूनिवर्सल, दैट्स फैंटास्टिक। दीपक मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यू नो हर कहानी की शुरुआत स्क्रिप्ट से ही होती है, एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट टीवीएफ फॉर अ वंडरफुल 10 इयर्स एज वेल। टीवीएफ के लिए तालियां होनी चाहिए, 10 इयर्स ऑफ ग्रेट कंटेंट गाइस, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। थैंक यू। सो लेट्स गो बैक टू दैट स्क्रिप्ट, यू नो जब स्क्रिप्ट आती है आपके पास, व्हाट डू यू थिंक इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ डायरेक्टर, यू नो जब एक सीजन बहुत अच्छा कर लेता है, दूसरे सीजन में जाने से पहले कौन सी चीज़ें होती है जो आसान हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये किरदार, ये लोग, इनके रिएक्शंस कैसे हैं, तो एक न्यूनेस कैसे लाते हैं अपने साथ? देखिए न्यूनेस तो सब कुछ कहानी से ही आता है, जी हाँ, ठीक है। अगर सेम कैरेक्टर है आपके पास और एक सेम शो है जो आप फिर से बनाने जा रहे हो, तो आप उन कैरेक्टर्स को किस तरह की परिस्थिति में डाल रहे हो, अगर वो बदल दो तो नया अपने आप आ जाता है। तो काफ़ी डिफरेंस है, परिस्थितियां बदली हैं सीज़न वन से टू में, चाहे वो अभिषेक त्रिपाठी हो, चाहे बाकी कैरेक्टर्स हों, सबकी परिस्थितियां धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, और वो जो इवॉल्व होना है वही नया है, और उसको जैसा लिखा गया है उसको एग्जैक्टली उस तरह से कैप्चर कर लेना और ऑडियंस तक पहुँचाना, वो चैलेंज होता है। मैं देख रही हूँ कि इस सीजन में बहुत सारे कॉल बैक्स हैं जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं एज अ फैन, जैसे कि बवासीर को हम नहीं जाने देंगे, एंड आई थिंक यू नो जिनको पता नहीं था उनको भी पता है, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस, राइट, कि एंड आई वाज टेलिंग माय ऑडियंस थोड़ी देर पहले कि आई एम अ बॉम्बे गर्ल, यू नो यहाँ पर पैदाइश हूँ, तमिल हूँ लेकिन बोलती नहीं हूँ, यू नो एंड ये मेरी डिसएडवांटेज है ऑनेस्टली, लेकिन जब ऐसी कहानियाँ आती हैं जहाँ पर यू जस्ट गेट इन टू दैट वर्ल्ड एंड आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या ये भाषा जानते हैं, क्या आप ये रेफरेंसेस जानते हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ द विन ऑफ पंचायत। सो आई वांट टू से दैट दिस इज़ माय पर्सनल वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। थैंक यू ये सीजन टू लाने के लिए हमारे लिए, 20 तारीख को आप देख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, अपने माइक्स ना तैयार रखिएगा, एंड जिनके पास ना हो तो प्लीज़ पास ऑन कीजिएगा। अपनी जो ऑडियंस हैं यहाँ पर भी फैंस हैं, आई एड लाइक टू ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। यू नो व्हाट टू डू, you'll raise your hand, a mic will come to you hopefully and you can answer. Siraj ji boliye, kya actor hai aap? Bahut sare cut karke jaunga, cut karke jaunga ji, iski wajah cut karke jaunga, aap OTT mein kaam karte the, web series mein panchayat mein jama kar liya, lekin aise aur kitne OTT web series mein aap kaam karne wale, abhi tak bahut kam kiya, bahut hi kam kar raha hu kyunki mere paas, hello ha, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा काम करना नहीं चाहता, नहीं पंचायत भूल जाऊँगा मैं,
तो मैं आराम से इत्मीनान से, शुरू से मेरी आदत यही रही जितना बर्दाश्त हो जाए उतनी करो, ऐसा नहीं कि एक पैर इधर रखा हो दो कश्तियों में सवार हो जाऊं तो फिर ना इस कश्ती में बचूंगा ना उसमें, मैं तो बीच में रह जाऊंगा। तो मुझे इत्मीनान से काम करने में बड़ा मज़ा आता है और वैसे ही काम करना चाहता हूँ मैं, और ये मेरी नीयत ही पहले से ऐसी रही कि वही काम करो जो लोगों को अच्छा लगे, जो खुद को अच्छा लगे, अगर खुद को अच्छा नहीं लगेगा तो लोगों को क्या अच्छा लगेगा। तो बस इसी नीयत से मैं काम करता हूँ और कम काम में मुझे बड़ा मज़ा आता है, मैं बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं चाहता, ऐसा लगता है कि बस जिसमें सुकून मिले बस वैसे ही करते चलो, उसी रफ्तार से चलो बस। जी क्या अंतर है, उसमें मुगेरी लाल था इसमें प्रधान है। हेलो काफ़ी एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का, बस वही है कि धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता चला जाता है, थोड़ा मंझते चला जा रहा हूँ और पता नहीं कितना मज़ा हूँ, सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं है, ना पहले मुगेरी लाल में था ना अभी है, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ रह गया है, तो अभी और ज़्यादा लगने लगा तो ये फ़र्क आ गया, मुगेरी लाल में शायद था कि हाँ ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और पंचायत तक पहुँचा तो पंचायत करने के बाद जाहिर है लोगों को बेहतर लगा, लेकिन हम मुझे हमेशा ही लगता है ये छटपटाहट, आप इनसे पूछ लीजिए छटपटाहट मेरी सेट पे भी रहती है, ऐसा लगता है कुछ और कर दें कुछ और कर दें, ये बेहतर हो सकता है ये बेहतर हो सकता है, तो ये छटपटाहट बढ़ते चली जा रही है, अब पता नहीं इसका आगे क्या होगा। शुक्रिया ज्योति जी। सिराज जी आप पूछना चाहेंगे सवाल, इज देयर अ माइक कमिंग टू यू, आई एम वंडरिंग इज देयर वन, सर इट्स राइट बिहाइंड यू, यस थैंक यू। मेरा सवाल भी रघुवीर जी से है, सिराज नाम है मेरा, मैं filmfestivals.com की तरफ से हूँ, सिराज सैयद नाम है मेरा, रघुवीर जी। जी 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 मैं जानता हूँ कि आप गाते बहुत अच्छा हैं, कविता बहुत अच्छी सुनाते हैं, लिखते भी हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्या आपको इस वेब सीरीज़ में ये सब करने का मौका मिल रहा है या मिलने की संभावना है, और नहीं तो फिर इसके अलावा कहीं और आप अपने इन फनों का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? मौका मिलता है तो कर देता हूँ, और क्या है कि म्यूज़िक तो एक्चुअली मैं म्यूज़िक के वजह से ही एक्टर बना हुआ हूँ, मैं सीखना म्यूज़िक ही चाहता था, और ये समझिए कि एक्टिंग गले पड़ गई तो बस म्यूज़िक का सहारा लेके मैं एक्टिंग करते चला जाता हूँ, तो ये जो एक्टिंग ही कर रहा हूँ आप पूछिए सेट पे। अरे यार रोज़ सुबह सर फ्लूट बजाते थे, पहुँचते ही सेट पे फ्लूट चालू हो जाता था उनका, फ्लूट और बांसुरी अलग अलग तरह की ये बना के भी रखते हैं और बनाते भी हैं घर पे भी, तो वो सारी चीज़ें स्टार्ट ही वैसे होता था सेट पे अपनी वैन में बैठ के। जी एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो पहला जो मेरे अंदर ये म्यूज़िक का या ज़िंदगी जीने का सलीका या ये सब कहाँ से आया, मैं एक छोटे से गांव से मेरा ताल्लुक है और हम आधार ताल, वो जगह जबलपुर में है एक आधार ताल, वहीं पे तालाब के किनारे एक टीला है, टीला पे एक मकान था और मैं 2.5-3 साल का रहा होऊंगा और दूर से एक पापड़ वाला निकलता था पापड़ बेचते हुए, और वो सिर्फ एक घर के लिए पापड़ के लिए आवाज़ लगाता था पापड़ बेचने की, तो सिर्फ हमारे ही घर था तो दूर से आवाज़ लगाता था, मूम का पापड़ लो उड़द का पापड़ लो, मूम का पापड़ लो उड़द का पापड़ लो। वाह वाह। तो बस ये था वो पापड़ वाला मेरा उस्ताद बन गया, फिर मैं दिन भर घर में पापड़ बेचता रहता था और तरह तरह से बेचता था कि मूम का पापड़ लो उड़द का पापड़ लो, मूम का पापड़ लो उड़द का पापड़ लो, मूम का पापड़ लो उड़द का पापड़ लो। तो ये सारी चीज़ें बचपन से लग गई, तो बस ऐसा लगता है कि बस इतना इस पूरी कायनात में इतना कुछ सीखने के लिए पड़ा है कि एक ज़िंदगी बड़ी छोटी सी लगती है, तो बस उसी रॉ में आके बस जो मिलता है सीखते रहता हूँ, और ये कभी उम्मीद नहीं करता कि ये मुझे काम करना पड़ेगा या मुझे गाना पड़ेगा या मुझे गाना चाहिए या नहीं, अपना भैया सीख रहा हूँ, जिसको मर्जी हो अगर ज़रूरत पड़े तो गवा दो या जो भी करवाना है करवा लो, नहीं ज़रूरत है रहने दो, मुझे अपने ही खुश रहने दो, बस यही अपने मर्जी करते रहे। क्या सवाल था? शुक्रिया जीतू जी। नमस्ते, मैं रेखा खान नवभारत टाइम्स से। पहले तो मैं पूरी आपकी समस्त टीम को बधाई देना चाहूँगी
और बहुत सारी मुबारकबाद और बहुत सारी शुभकामनाएं. मैं पीछे हूँ, एक मिनट में खड़ी हो जाती हूँ, आप मुझे ढूंढ रहे हैं. जी नमस्ते. नमस्ते रेखा जी, नमस्ते. कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच. तो पहला सीजन तो बहुत ही धमाकेदार रहा और गजब बिजती है, ऐसा कुछ जो डायलॉग्स हैं इस तरह के बहुत सारे मीम्स बन गए. तो अब जो है कि लोगों की जो अपेक्षाएं वो भी काफ़ी बड़ी हुई हैं, तो कैसा लगता है कि दूसरे सीजन में मतलब क्या धमाका होगा? ट्रेलर में तो पता चल रहा है, लेकिन क्या वो सारी अपेक्षाओं पे खरा उतर पाएगा? क्योंकि किसी भी शो का मीम्स बन जाना आज के दौर में उसकी सफलता की निशानी माना जाता है. हाँ जी बिल्कुल, आई थिंक हाँ, मतलब जब अपेक्षाएं होती है तो मज़ा भी बहुत आता है और हम भी उतना इंटरेस्ट लेके और उतना एंथू से हम लोग उतने एंथुजियाज्म से काम भी करते हैं. तो आई थिंक बहुत धमाल होने वाला है, वो 20 को सब लोगों को पता चल जाएगा. आई थिंक जो पिछला सीजन था, मतलब उसी जोन में खेलते हुए हमने बहुत सारी अलग वही सिचुएशंस विद सभी कैरेक्टर्स के साथ ट्राई किए और भी नए कैरेक्टर्स आएंगे, वो देखने को मिलेंगे. और मतलब इस बार गांव और पंचायत में हम ज़्यादा घुस गए हैं इस बार. मतलब पिछली बार तो फिर भी मोस्टली सिचुएशंस पे थे, इस बार और पंचायत का काम क्या होता है और मतलब गांव में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उन पे भी हमने बहुत ह्यूमरस ड्रामा दिखाने की कोशिश की है. आई होप कि सब लोगों को अच्छा लगेगा और ये जो छोटा सा हमने ड्रामा भी ट्राई किया है इस बार, उसमें भी मज़ा आएगा. और इस बार एक अभी जो एक हल्की सी झलक हमें ट्रेलर में देखने को मिली है वो है आपका एक लव ट्रैक भी लग रहा है. बोली तो वो एक चीज़ भी, मतलब वो एक सूदी कहते ना कि एक खुशबू, एक इश्क, वो एक नज़र आ रहा है. तो मतलब क्या, मतलब बिल्कुल आपने सब कुछ बयां ही कर दिया है कि सब खुशबू वो नहीं, सारी नहीं, चीजें. ये तो मेरा मेरे लव्स हैं, मैं आपके जानना चाहूंगी. जावेद साहब कैसे हैं आप? मजा आ गया जी. बोले बोले सर. आई थिंक हाँ, मतलब वो अच्छा क्लिफहैंगर था लास्ट सीजन में और सब लोगों ने उस पे काफी कमेंट्स किए कि ये वाला भी ट्रैक हमें देखना है. और वो बहुत खूबसूरती के साथ चंदन ने लिखा है और मिश्रा जी ने चित्रित किया है. चित्रित, इसके बारे में बताइए. चित्रित, इसके पीछे का मतलब क्या है, कहानी बताइए. Where did this come from? मजा आ गया. तो आई थिंक हाँ, बहुत सारी खुशबुएं देखने को मिलेंगी उस ट्रैक में भी आपको. शुक्रिया. थैंक यू रेखा. बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आप. हेलो, बोलिए. हाय मैम, मेरा नाम आरती सक्सेना है और मुझे ये पूछना था कि वेब सीरीज वाले मतलब गांव की तरफ ले जा रहे हैं हम लोगों को, लाइक जो पहले अभी पिक्चरों में जैसे शहर का दिखाते हैं, लाइक यहाँ पे वेब सीरीज में गांव दिखाते हैं, तो आप लोग क्या लोगों के दिल से जुड़ना चाहते हैं इसीलिए गांव की तरफ? क्योंकि लोग पाइल्स बोलते हैं, आप लोग बवासीर बोलते हैं. सवाल तो, किसके लिए है ज़रा बताएंगे आप मैम? मैं तो डायरेक्टर से पूछना चाहूँगी. जी बताइए. तो मतलब क्या वजह है कि ज़्यादातर सीरियल और ख़ासतौर पे पंचायत गांव की तरफ जा रहे हैं, मतलब कोई खास मकसद से? और ये सीरियल का नाम पंचायत ही क्यों रखा? जी तो देखिए, ज़्यादातर सीरियल कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं करूँगा. मैंने ये क्यों किया या चंदन ने क्यों किया, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग उस एरिया में रहे हैं. हमारी 12वीं तक पढ़ाई लिखाई वहीं हुई है. हम बड़े हुए हैं मालगुड़ी डेज देखकर, पोटली वाले बाबा देखकर. और जब हम आए यहाँ बॉम्बे में और ये सब शुरू हुआ हमारे साथ, पहले थिएटर और फिर फिल्म मेकिंग, तो हमेशा से एक इच्छा थी कि वो जो पुराना स्वाद था मालगुड़ी डेज का या पोटली वाले बाबा का या ब्योमकेश बख्शी का, उसे किसी तरह से वापस ले आए, आज के जनरेशन को वो चीज़ दिखाएं जो हम देखकर आगे बढ़े हैं, बड़े हुए हैं. तो कहीं ना कहीं ये थॉट कि हम कुछ गाँव से रिलेटेड बनाएंगे, कहीं ना कहीं वो उस इच्छा से ही आया था. और मुझे खुशी है कि लोगों को पसंद आ रहा है, आज के बच्चों को भी पसंद आ रहा है, युवाओं को भी पसंद आ रहा है और वृद्धों को भी पसंद आ रहा है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हाय, आकृति हियर फ्रॉम एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज. माय क्वेश्चन इज टू फैजल सर. हाय सर, आई वांट टू नो लाइक हाउ हैज योर लाइफ चेंज्ड आफ्टर पंचायत एंड डिड यू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज ओइंग टू द सक्सेस ऑफ द शो लाइक आफ्टर सीजन वन? या सक्सेस के बाद तो है ही है, वो तो अब दो काम करना पड़ता है, ऑफिस भी जाके काम करना पड़ता है, एक्टिंग भी करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है. ट्राई भी करता हूँ कि क्यों ऐसा हो, कभी कभी सोचता हूँ नहीं होना चाहिए था, सोचता हूँ अच्छा हो गया तो अच्छा होना भी चाहिए था. कई साल बाद जो है, मतलब वर्क का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, अब
कोई कहता है अच्छा एक्टर, तो मैं कहता अच्छा सही है भाई, फिर बताओ क्या करना है. तो कर रहा हूँ अभी, मतलब अभी देखिए आगे जाके नहीं अच्छा लगेगा एक्टिंग तो नहीं करूँगा, मतलब किसी को नहीं अच्छा लगेगा तो. पर अभी तो अच्छा है, लाइफ इज चेंज, मज़ा आ रहा है और कहानी मिल रही है और कई कुछ चीज़ें और कर रहा हूँ. पर पंचायत की वजह से है सब, इन ये दोनों जो है इनकी वजह से. तो ऐसा है. थैंक यू. छोटे से किरदार में भी आप जब आती हैं तो अपने जो आपने दबदबा छोड़ा है वो एकदम जहन में होता है, और यहाँ तो आप दिख ही रही हैं, पूरी छाई हुई हैं. आपको लगता है मैम एक तरह से अब ड्यू जो है आपको अब मिलना शुरू हुआ है? हाँ बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं. मुझे ड्यू बहुत देर में मिल रहा है और TVF की तरफ से ही शुरू हुआ है ड्यू मिलना. बिकॉज गुल्लक भी TVF का था और पंचायत भी TVF का है. तो यस, बट यू आर वेरी राइट कि मुझे 22 साल हो गए हैं बॉम्बे में, एंड यस पास्ट फ्यू इयर्स आई एम गेटिंग माय ड्यूज. मैम अच्छे एक्टर होते हैं तो उनको ड्यू मिलता ही है कभी ना कभी, आज नहीं तो कल मिलता है. थैंक यू सो मच. दीपक आपसे मेरा सवाल है कि पंचायत जब फर्स्ट आया था सीजन तो वो लॉकडाउन के वक्त आया था, सब लोग घर पे बैठे हुए थे, और कहेंगे कि जितेंद्र उस टाइम के पहले लॉकडाउन सुपरस्टार बने, अचानक से लोगों ने देखना शुरू किया और काफ़ी वर्ड ऑफ माउथ से फिर लोकप्रिय हो गए उसके बाद. लेकिन अभी जो दौर है बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लोग बहुत सारी चीज़, आप पंचायत ने ट्रेंड भी सेट किया, कई लोगों ने इसको देख के भी शोज बनाए, तो ऐसे में चैलेंज कितना रहा? और सेकेंड सीजन में कई बार बहुत ही कम ऐसे शोज होते हैं गुल्लक वगैरह को छोड़ के जो कि नहीं दे पाते हैं जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं. हम लोग कई बार चर्चा करते हैं कि सीजन फर्स्ट अच्छा था, तो ये जानना चाहेंगे आप. तो दूसरा सवाल क्या था आपका? मेरा सवाल है कि जो मतलब सीजन टू जब आते हैं ना किसी शोज के, तो वो जो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं वो मुश्किल होता है. जैसे गुल्लक जैसे शोज हमें विश्वास देते हैं, तो ये चैलेंज कितना रहा है सीजन टू के साथ आपके लिए? और जो भीड़ आई है अभी एक तरह से स्ट्रॉन्ग है, उस बीच में आप कैसे अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं? जी तो देखिए भीड़ तो रहेगी, हम 133 करोड़ की आबादी के देश में रहते हैं, भीड़ से बचा नहीं जा सकता है. भीड़ से बचने का एक ही तरीका है कि आपका काम बोले आपके लिए, और सीजन वन में भी वही बोला, वो कंटेंट बोला, वो सहजता बोली, वो सिंप्लिसिटी बोली, वो नेचुरल परफॉर्मेंसेज बोली, वो स्टोरी टेलिंग बोली. तो मुझे लगता है कि सीजन टू में हाँ प्रेशर है, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस हैं, प्रेशर तो होता ही है, लेकिन प्रेशर में क्रम्बल कर जाने से या सोचते रह जाने से कुछ बात नहीं बनेगी. तो हमने वही किया जो हम सबसे अच्छा करते हैं, वो है मेहनत. और सीज़न टू में भी हमने बहुत मेहनत की है कहानी को लेके. ये कहानी जैसी सीज़न वन में थी उससे दो नॉच ऊपर ही जाएगी सीज़न टू में, और मुझे पूरा विश्वास है कि सीज़न टू भी वैसा ही रिस्पॉन्स हमारी ऑडियंस हमें देगी जैसा सीज़न वन का मिला था हमें. हेलो सर, विनम्र फ्रॉम मिड डे. यस या, मेरा सवाल चंदन सर से है. या मुझे आपसे ये पूछना है कि पंचायत का प्लॉट का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अर्बन बॉय इन अ रूरल सेटअप वाज द थिंग. या आई ऑलवेज वांटेड टू डू दैट, एंड एक कहानी शुरू की कि हाँ एक बंदा एक जाता है गांव में और वहाँ किस टाइप के प्रॉब्लम्स फेस करता है, चैलेंजेस फेस करता है, और ये किया था कि हाँ जो भी बंदा जा रहा है उसे हीरो नहीं बनाना है. ठीक है, सो ये बेसिक इंस्पिरेशन था. और उसके बाद फिर कुछ थोड़ा रिसर्च वगैरह चालू हुआ, शुरू किया. अब उसमें रूरल सेटअप्स में भी बहुत तरह के सेटअप होते हैं. आपका एक पंचायत लेवल पर ऑफिस होता है, ब्लॉक लेवल पर होता है, तहसील में है, अलग अलग जगहों पर होती है. अब उसमें आपको कौन सा ऑफिस चुनना है, कहाँ पे सेटअप करना है, सो उसमें फिर हमें आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस पंचायत काफ़ी अच्छा लगा कि एक गांव की कहानी भी हो जाएगी और उसमें एक ऑफिस का सेटअप है, एंड इट एक्साइटेड अस वेरी लाइक. फिर मिश्रा मैं बाकी लोग फिर धीरे धीरे जुड़ते गए और कहानी हम बनाते गए, एंड फाइनली या वी शॉट इट एंड रिलीज्ड. सो यही था, इतना बेसिक ही है, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ सोचा हुआ नहीं है. स्टार्ट वहीं से हुआ था कि एक अर्बन लड़का रूरल सेटअप में जाता है, एंड दैट्स इट. थैंक यू. दीपक सर, मेरा सवाल आपसे है,
जनरली पंचायत होती है वो पांच पंचों की पंचायत मानी जाती है, कही जाती है. यहाँ पे भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो उठाए गए हैं, उनके बारे में दिखाया गया है कि कैसे वो सॉल्व करते. तो इसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ दिखाया गया है क्या? सीजन टू की बात कर रही हैं? जी सर. जी, तो पहले मैं बताता हूँ ये पंचायत में पाँच लोग होते हैं ये 1980 की बात है. सो आज के डेट में पंचायत में कितने लोग होते हैं वो डिपेंड करता है उस गांव की आबादी कितनी है, उसके हिसाब से ब्लॉक मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं, उसके हिसाब से उप प्रधान होता है, प्रधान होता है. तो पांच की पंचायत थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है, वो अब सब कुछ लॉ बदल चुका है. वो तो हमने कोशिश की कि जो रियलिटी है वही दिखाते रहें. सॉरी, आपका दूसरा सवाल क्या था? मेरा सवाल था कि काफ़ी सारे पॉलिटिकल इश्यूज दिखाए गए हैं कि ये सॉल्व नहीं हुआ है, इसकी प्रॉमिसेस किए गए हैं, तो इसको जिस हिसाब से सॉल्व किया गया है वो कितना रियलिटी कैच कर रहा है? देखिए, पंचायत में कुछ भी अनरियल नहीं होता है, सब कुछ रियलिटी के करीब ही होता है और सब कुछ उसी सहजता से दिखाया जाता है. हाँ, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स एक हिस्सा है इस शो का, सीजन टू का भी है, लेकिन ये गांव की पॉलिटिक्स है, ये डेमोक्रेसी के ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिक्स कैसे बिहेव करती है वो पॉलिटिक्स है. और वो पॉलिटिक्स बहुत सहज है, वो पॉलिटिक्स आपसी प्यार और एक दूसरे के सपोर्ट पर आधारित है, और वही हमने दिखाने की कोशिश की है. थैंक यू सो मच. हेलो, हाय जीतू, नेहा देसाई फ्रॉम आजतक. सोशल मीडिया के आप सच में सुपरस्टार कहे जाते हैं, बच्चे ना केवल सब, हर मतलब जो दर्शक वर्ग है, बुजुर्ग की बात कर ले, सबके फेवरेट है. तो जी, तो आपकी लाइफ कितनी बदली है, मतलब आप कैसे इंजॉय करते हैं मतलब ये सक्सेस को? मतलब मैं तो यार वर्क अपॉर्चुनिटीज वाइज सोचता हूँ कि हाँ, मतलब अगर तुम्हारा कोई काम को सक्सेस मिलता है, यानी कि लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और तो उससे कॉन्फिडेंस आता है. एंड आई थिंक वो कॉन्फिडेंस तुम जब अपना अगला काम करोगे तो वहाँ पे लेके जा सकते हो कि हाँ, मतलब तुमने पिछला कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ तुमने सीखा है वहाँ के लोगों से, एंड वो तुम आगे आगे के प्रोजेक्ट्स में डाल सकते हो. तो वो ही है मेरे लिए तो सक्सेस, की और मैं काम करूँ और अच्छी कहानियाँ आप लोगों के लिए लेके आऊँ. एंड वो हो भी रहा है, मतलब बहुत सारी कहानियाँ हैं अभी जो आगे मैं बताने वाला हूँ अपने एक्टिंग के जरिए. तो या मतलब यही करने आया था और फिलहाल मज़ा आ रहा है. बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू. इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, वी विल हैव टू एक्चुअली से बाय बाय, क्योंकि वक्त जो है. आपको माइक मिला है? ओ नो, बिकॉज दे रन आउट ऑफ टाइम. कैन वी टेक वन लास्ट क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड? या कम. हाय, दिस इज तमन्ना सिंह फ्रॉम प्राइम टाइम नेटवर्क. जीतू जी, मेरा सवाल आपसे है, तो इसके पहले जो आपने रोल किया है कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया का, और पंचायत में अभिषेक का, तो पर्सनली आपका फेवरेट रोल कौन सा है? पंचायत 20 को आ रहा है. अभिषेक. अभिषेक जी को देखने के लिए 20 तारीख को भूलिएगा मत, प्राइम वीडियो पर, पंचायत सीजन 2. अभिषेक आपका भी नाम है? अरे क्या बात है, क्या बात है. आपकी मम्मी ने पंचायत सीजन 1 देखकर आपका नाम रखा है, ऐसे लगता है हमें. ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइस. फुलेरा से आए जैमी. जैमी क्या हो गया, अब तुझे सवाल याद आया? नहीं मिला था. अच्छा, माइक नहीं, अब मिलना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी खत्म हो गया टाइम. अच्छा चलो जैमी पूछ लो. अच्छा सर, जैमी को पूछ. अच्छा आप बैठिए ना सर, आप बैठिए. हैव अ सीट. ओके, अब आप पूछिए. हाय, माय क्वेश्चन इज टू जीतू सर. हाय सर, यू नो हाउ डिड यू, व्हाट वर द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड टू प्ले अ सचिव्स रोल? बिकॉज यू नो यूजुअली फॉर कैरेक्टर लाइक माफिया कैरेक्टर और एनी अदर ग्लैमरस कैरेक्टर, यू हैव मेनी रेफरेंसेस आउट देयर. सो हाउ डिड यू मैनेज टू प्ले अ सचिव्स रोल विच इज़ वेरी यूनिक, सो लाइक सो वेरी परफेक्टली? जनरली मतलब जो वन लाइनर था इसका, जो पहली बार सुना था कि एक अर्बन लड़का जो जिसने इंजीनियरिंग की हुई है जनरल, और वो जाता है गांव में सचिव, तो इंजीनियर टू सचिव थोड़ा सा ना वो मतलब उसका डिमोशन है, मतलब जिस हिसाब का वो काम कर सकता है एक इंजीनियर, और उसका गांव में जाना थोड़ा सा. तो ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं अपने जहाँ से मैं हूँ, कि क्योंकि रोज़गार बहुत कम है और किसी भी सीट के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो उस सिचुएशन वाले लोग मैंने देखे हुए थे कि हाँ मतलब इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं बट कर रहे गांव में जाके ऐसी चीज़ करनी पड़ रही है. तो वो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ था, लोगों को देखा हुआ था, मैंने खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ था. तो ज़्यादा चैलेंजेस नहीं थे कैरेक्टर वाइज, मेनली आई थिंक शूटिंग वाइज ये एक टास्क है. पंचायत को जब हम शूट करते हैं तो एक काफ़ी बड़ा टास्क है, लाइक मतलब वहाँ पे
मतलब हम लोगों ने ऐसा इमेजिन नहीं किया था, हम लोगों ने गांव को बहुत सुहावना और बहुत उस तरीके से इमेजिन किया था। वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, जब बारिश होती है तो वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होती है, जहाँ पे ठंड होती है तो अलग लेवल ठंड होती है। तो वो सारी चीज़ों पे शूट करना हमारे लिए एक टास्क हो जाता है, तो वो सिचुएशंस हमारे लिए उनसे डील करना काफ़ी हिम्मत वाला रहा, क्योंकि 47 का जो सीज़न वन हम शूट कर रहे थे वो मई में शूट कर रहे थे 47 में, और उसमें हम 26 जनवरी दिखा रहे थे विच वॉज ठंड, तो हम लोगों ने स्वेटर्स पहनी हुई थी, शॉल ओढ़े हुए थे और 47 डिग्रीज बाहर था। तो वो सारे चैलेंजेस बहुत आए। अदरवाइज फॉर मी सचिव के कैरेक्टर के लिए वो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हुई थी, तो वहीं से कुछ कुछ नुआंसेस मैंने उठा लिए थे, एंड इंजीनियर तो मैं हुई तो इजी रहा। थैंक यू। ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। अब कोई आफ्टर थॉट वाले सवाल ना हो फिलहाल के लिए, आई एम गोना से थैंक यू सो मच। 20 तारीख को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर पंचायत सीजन 2। अब आपके इन चहेते किरदारों को मैं बुलाऊंगी स्टेज पर एक के बाद एक, आप बोलिए पहले कौन आने चाहिए।